हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये बना रहा हूँ मैं एज ए कंटिन्यूशन ऑफ हमारा जो अभी पीछे एक वीडियो आया था स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए कि आप वहाँ सेटलमेंट कर सकते हैं इफ़ यू हैव स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस किसी भी गेम का अगर आपके पास है। तो उससे रिलेटेड बहुत क्वेरीज हमारे पास आई, तो एक और वीडियो बनता था इसके लिए, तभी हम ये बना रहे हैं इन कंटिन्यूशन टू दैट। तो जो जो क्वेरीज उसमें आई थी वो हम इसमें आंसर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं एंड यू वांट टू सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया, तो अब ये टूरिस्ट वीज़े के चक्कर में मत पड़े, इस वीज़ा को अपनाएं। और ये वीज़ा हम कईयों का फाइल कर चुके हैं, आता भी है। द ओनली थिंग इज डॉक्यूमेंट शुड बी, जो डॉक्यूमेंट्स में लगते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। केस आपके सामने फ्लैश हो रहा है नंबर, सो यू कैन डिस्कस दैट। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो इस वीज़ा पे स्टडी वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये सबका क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आंसर है येस, जी हाँ। 408 वीज़ा में जब ये ग्रांट होता है, इट इज़ जस्ट लाइक मल्टीपल एंट्री विजिटर वीज़ा, जिसमें 8503 नहीं आती है, ठीक है। तो व्हेन 8503 का मतलब होता है नो फर्दर स्टे। अगर नो फर्दर स्टे का कंडीशन नहीं आया, दैट मीन्स यू कैन फाइल स्टडी वीज़ा ऑन दिस वीज़ा। तो वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही था कि 408 हम ले तो लें तो आगे वहाँ पर हमारा स्टडी वीज़े वाला सेटलमेंट वाला रूट शुरू होगा या नहीं होगा। तो डेफिनेटली होगा और लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। नाउ नंबर टू क्वेश्चन, कि हम इस वीज़ा के लिए क्यों जाएं जब विजिटर वीज़ा भी हमें करवा सकता है। उसका आंसर ये है कि विजिटर वीज़ा में बहुत रश है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने विजिटर वीज़ा डेली फाइल होते हैं, हर कोई कर रहा है, ठीक है। तो रश बहुत है। अब 408 जो ये वीज़ा है, इसके अंदर एक तो काफ़ी लोगों को, मेजोरिटी को मैं कहूँगा काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है। अगर मालूम भी है तो वो ढंग से फाइलिंग नहीं है, और ढंग से फाइलिंग तभी होती है जब डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है वीज़ा की एक तरफ के डॉक्यूमेंट्स आपने सी ए रिपोर्ट ये वो करके लगा दिया, नो। इसमें काफ़ी स्ट्रीम्स हैं, हर एक स्ट्रीम के स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स दोनों लेवल पे चेक होते हैं। और फिर जब दोनों लेवल पे चेक होकर निचोड़ निकलता है, समरी बनती है, उसके बेसिस पे वीज़ा ग्रांट होता है, ठीक है। तो चांसेस इसमें, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो चांसेस इसमें डेफिनेटली ज़्यादा हैं, क्योंकि नंबर वन इसमें एप्लीकेंट्स कम है, नंबर टू इसकी फ़ीस डबल है, उसकी वजह से भी एप्लीकेंट्स कम है। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स कि इसमें रश नहीं है, और अगर रश नहीं है तो चांस अपने आप ज़्यादा बन जाता है। पर यह मतलब नहीं है कि रश नहीं है तो आपका हर किसी का चांस बन जाएगा, नो। तभी मैंने हम आपको कह रहे हैं कि डिस्कस करें आपका केस, आपके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं भी या नहीं। अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तभी ये वीज़ा मिलता है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो वो हम आपको पहले क्लेरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। नंबर थ्री, इसमें क्वेश्चन ये आता है लोगों का कि ये अगर हमें कितने देर का ग्रांट होता है। अब ये फिक्स नहीं है, जैसे विजिटर वीज़ा मतलब 3 साल का सबको मिल जाना है, ये फिक्स नहीं होता। ये डिपेंडिंग अपॉन योर डॉक्यूमेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के सिनेरियो में आप ये फाइलिंग करते हो, किस स्ट्रीम में ये फाइलिंग करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 महीने का मिनिमम से लेके 1 साल 2 साल तक भी वीज़ा मिल जाता है। तो ये सारा केस स्पेसिफिक चीज़ है, तो इसका हम फिक्स नहीं बता सकते कि कितनी देर का ग्रांट होगा। बट जो पर्पस आपका है, जिसके लिए मोस्टली लोग ये पूछ रहे हैं, तो वो ये सॉल्व करता है वीज़ा, स्टडी वीज़ा आपको इसके ऊपर मिल जाता है। दैट इज़ द मेजर थिंग जो आपको इसको क्वेरी जो बार बार आती है इसके लिए, ठीक है। अब इसमें कई लोगों का था कहना कि हमारे पास कोई पुराना डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, उसके बेसिस पे लगता है कि नहीं लगता। तो वो खाली कमेंट करने से या ये एक दो चीज़ें बता देने से इसके बारे में हम डिटेल में नहीं बता सकते, ठीक है। वो जेन्युइन थिंग है, हमें आपका पूरा प्रोफाइल देखनी पड़ेगी, एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो, जो सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स आपके पास जिसके बेसिस पे आप लेना चाहते हैं वीज़ा, वो कैसे हैं, किस चीज़ के हैं, किस गेम के हैं। तो देर आर मैनी फैक्टर्स, और उस गेम का रिप्रेजेंटेशन ऑस्ट्रेलिया में है भी या नहीं है, सो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो उसके लिए हमने कहा कि आप जूम मीटिंग ज़रूर रखें, तो उसके बाद ही आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी इफ़ यू आर स्पोर्ट्स पर्सन और आप सोच रहे हो अभी तक, तो सोचें मत, सीधा एक्शन करें, मीटिंग बुक करें, अपॉइंटमेंट बुक करें एंड कंसल्ट करें। और फाइलिंग हम तभी प्रोसीड करते हैं जब हमें लग जाता है कि यस इतना आपका चांस है, देन आपको मिलेगा, ठीक है। तो होप आपकी जो क्वेरीज थी वो क्लैरिफाई होगी होंगी रिगार्डिंग दिस वीज़ा। तो
थैंक यू वेरी मच।